महेंद्र सिंह धोनी को यूं तो क्रिकेट की दुनिया का सबसे बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता है। धोनी की प्लानिंग के बारे में सभी ने सुना जरूर होगा, मगर आज हम आपको दिखाते हैं धोनी कैसे सटीक रणनीति बनाते हैं और विपक्षी उनकी प्लानिंग के आगे चित हो जाते हैं। वैसे आपको धोनी की रणनीति पसंद आए तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैच में टीम इंडिया ने 2 विकेट तो जल्दी निकाल लिए थे, लेकिन इसके बाद शाकिब अल हसन और रहीम टिककर खेलने लगे और जडेजा के बॉल पर शाकिब ने तो 2 चौके भी मार दिए थे। हालांकि इसके ठीक बाद जडेजा ने शाकिब को आउट भी कर दिया, मगर शाकिब यहां पर यूं ही आउट नहीं हुए थे। जिस बॉल पर शाकिब अल हसन आउट हुए उससे ठीक पहले देखिए क्या हुआ था। जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, शिखर धवन स्लिप पर खड़े थे और धोनी विकेट के पीछे। शाकिब ने स्क्वायर लेग की तरफ चौका मार दिया। तुरंत धोनी ने कप्तान रोहित शर्मा को बुलाया और कहा कि धवन को स्लिप से हटाकर स्क्वायर लेग पर तैनात करो। हालांकि रोहित पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों, मगर धोनी के अंदाज से लगा जैसे वो कह रहे हो बस फील्डर वहां पर लगा दो बस। रोहित ने भी कैप्टन कूल की बात मान ली। फिर देखिए अगली बॉल पर कैसे चमत्कार हुआ। धोनी के जाल में शाकिब फंस गए और ठीक वहीं पर कैच दे बैठे जहां पर धवन को स्लिप से हटाकर तैनात किया गया था। धोनी की रणनीति कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई और वो भी बिल्कुल सटीक साबित हुई। तो धोनी की रणनीति बनाने का अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।